सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पांचवा पाठ, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 4 पाठ आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो आप उनको देख लीजिए। पाठ को हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ जो पाठ के अंतर्गत आएंगे, उनका आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अर्थ इनके हम पहले जान लेते हैं। पहला शब्द है अजीबोगरीब, जिसका अर्थ है अनोखा। SMS, जो कि आप मैसेज फ़ोन से भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं हिंदी में लघु संदेश सेवा, कि एक छोटा मैसेज। लघु कम अर्थ होता है यहाँ पे, छोटा मैसेज। सिलसिला मतलब आरंभ होना, किसी चीज़ की शुरुआत होना या रास्ता खुलना। अहमियत का अर्थ यहाँ पे होता महत्व। हरकारा एक शब्द पाठ के अंतर्गत आया है, जिसका अर्थ होता है दूत, डाकिया या फिर संदेश पहुँचाने वाला। आवाजाही का अर्थ यहाँ पे होता है आना जाना। तह का मतलब होता है कि कई तहों में, जैसे आप लोगों ने कई बार बातों में सुना होगा कि ये बात इतनी तह तक दबी हुई थी, यानी इतनी गहराई तक की बातें, ठीक है। फिर आता है एक प्रशस्ति पत्र, मतलब एक प्रशंसा पत्र। ये जो है कवियों, लेखकों या फिर इंग्लिश के जो नोवेल विजेता होते हैं उनको जो है, या फिर सिंगर्स को भी एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जब किसी को ये अवॉर्ड मिलता है, या कोई भी सम्मानीय कार्य वो करते हैं तो उनके सम्मान के रूप में जो है एक प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा पत्र दिया जाता है। मुस्तैद का अर्थ यहाँ पर होता है तत्पर। तत्पर का अर्थ भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तत्पर का अर्थ होता है एकदम तैयार रहना। फिर शब्द है एक दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात। जैसे आप लोग जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो कुछ कहीं आपका जन्म पत्र होता है, या फिर आपके आपके स्कूल से आए आपका TC फॉर्म होता है, तो उसको भी हम एक प्रमाण पत्र बोल सकते हैं उसको, ठीक है। या फिर जैसे आप लोगों के और भी स्कूल में सिंगल गर्ल चाइल्ड या फिर कोई कई, उनके लिए आपको क्या बनवाना पड़ता है, प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ता है, उनको हम दस्तावेज भी हिंदी में बोलते हैं। फिर एक शब्द आया है गुडविल। गुडविल का अर्थ होता है यहाँ पे सुनाम, यानी अच्छी छवि। कि जैसे आपके सामने जो है किसी टीचर की गुडविल की एक छवि होगी, ठीक है, कोई जो है एक अच्छा टीचर आप किसी के लिए अच्छा मान रहोगे, कोई कैसा होगा, तो ये उसी को हम बोलते हैं गुडविल। फिर आता है हैसियत। हैसियत का अर्थ जो है होता है दर्जा। हैसियत का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, दर्जा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे आलीशान। आलीशान का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है, शानदार शब्द दिया गया है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, एकदम जबरदस्त, शानदार। हम बोलते हैं कि भारत ने जैसे बहुत ही अच्छा खेला, तो उसको हम बोल देते हैं शानदार। फिर आता है एक ढाणी। ढाणी जो शब्द है इसका अर्थ होता है अस्थाई। एक शब्द आया है पाठ के अंतर्गत में ढाणी का, कि जो है इसका ये कहाँ पर आया, अस्थाई मतलब कि निवास, जहाँ पे आपका परमानेंट निवास नहीं होता है, बल्कि कुछ समय के लिए आप वहाँ पे रहते हैं, जैसे कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी होती है, ढाणी उसी को बोला जाता है, थोड़ा सा ये दूरी पर होती है, ठीक है। चलिए हम पाठ को शुरू कर लेते हैं। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। सबसे पहले तो हम जो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठी का अर्थ होता है यहाँ पे खत, कागज या लेटर जो हम किसी को लिखते हैं। अनूठी का अर्थ यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अनूठी का अर्थ होता है अनोखा, जो कि मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था। और दुनिया का अर्थ तो आप समझ ही सकते हैं कि पहले के समय में जो है चिट्ठियों का काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान रहा है। अब हम वर्तमान में देखेंगे कि हम यहाँ पे तुलना, ये मुख्यतः इस पाठ में थोड़ी सी तुलना की जाएगी कि चिट्ठियों की पहले क्या अहमियत होती थी, चिट्ठियों का विकास कम कैसे हो गया, किन किन कारणों से इसका विकास कम हुआ, फिर चिट्ठी और आज की वर्तमान में जो संचार साधन जैसे मोबाइल फ़ोन है, SMS है, मेल है, इन सब में और चिट्ठियों और अपने जो खत लिखते थे पहले के लोग, पत्र लिखते थे, उनमें और इनमें आज में क्या अंतर है। तो मैं आप लोगों को आपसे आपके पाठ्यक्रम में CBSE जो प्रश्न पूछ सकती है, कुछ प्रश्न आपके CCA बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, सभी प्रश्नों को मैं इस पाठ के अंतर्गत कवर करूंगी। बस आप पाठ को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद कोई भी प्रश्न आपको हल करने में समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसकी कीमत आपको क्या करना होगा, पाठ को बहुत ध्यान से सुनना होगा।
पाठ को आप लोग देख रहे होंगे, एक चित्र यहाँ पे, ये आप लोगों ने बहुत मैन देखा होगा, यहाँ पे पोस्टमैन का चित्र है और ये एक औरत का चित्र है, और इनके हाथ में यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक पत्र दिख रहा है, जो कि इस तरीके से डाकिया इनके घर पर डाक देने, हम बोल सकते हैं देने के लिए जब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संक्षेप में मैं बता देती हूँ, इस लेख में क्या हुआ है, इस पाठ के पहले मैं लेखक बता देती हूँ कौन है, इनके हैं अरविंद कुमार जी। ठीक है, पाठ के लेखक कौन हैं, अरविंद कुमार जी हैं, जो वर्तमान में भी बहुत सारी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, जैसे वो सांसद में भी हैं, राज्यसभा में भी हैं, और जो है बहुत सारे लेख वो है लिखते रहते, उन्हीं की एक पुस्तक से इस पाठ को यहाँ पर उठाया गया है, जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं। ठीक है, बहुत गहरी समझ वो अपने पत्रों में, अपने पाठों में वो उनकी गहरी समझ यहाँ पर झलकती है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को पैराग्राफ दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आपका यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न कभी कभी बन जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इस लेख में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, संचार साधन यहाँ पे एक शब्द आया है, क्या इसका अर्थ क्या होता है, हमारी बातचीत करने का तरीका, हम अपनी बातचीत करने के तरीके को, जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, बहुत हमसे दूर हैं, तो उनसे हम किन किन माध्यमों से बात कर सकते हैं, उनके लिए दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की दुनिया निराली है, निराली का अर्थ मतलब बहुत ही अलग दुनिया है, फैक्स SMS दूरभाष ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियां सर्वश्रेष्ठ ही रहेंगी। अब हम इस पाठ में जानेंगे कि चिट्ठियां सर्वश्रेष्ठ कैसे रहेंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है, पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जो चिट्ठियों में बात होती थी, चिट्ठियों में जो भी कोई किसी को आप लोगों ने देखा होगा पहले के समय में भी बॉर्डर पे जो सैनिक रहते हैं, पत्र लिखकर अपने, जैसे आप लोगों के माता पिता भी कुछ होंगे फौजी होंगे, तो आप लोग उनसे ये बात पूछ सकते हैं कि उन्होंने भी कभी अपने जीवन में लेटर लिखा होगा। पुराने समय में आपको लगभग सभी लोगों के अनुभव से आप जान सकते हैं कि सभी लोग पहले लगभग लेटर लिखते थे। ठीक है, तो उनमें बहुत ही गहराई होती थी और ऐसा उनमें प्रेम होता था कि पत्रों को कई बार पढ़ा जा सकता था। अब जैसे पत्र जैसा संतोष मतलब एक सेटिस्फेक्शन, अभी जो हम फोन पे बात कर लेते हैं या SMS हम पर हमारे पास आता है तो वो उतना उपयोगी नहीं है, उपयोगी है लेकिन वो क्षणिक टाइम के लिए, क्षणिक समय के लिए है, कम समय के लिए वो उपयोगी है, ज़्यादा समय के लिए वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि पत्रों को हम कितनी बार भी पढ़ सकते थे बच्चों, लेकिन यहाँ पर फोन और आधुनिकतम संचार साधनों की एक लिमिट है, एक सीमा है, जिनको हम एक सीमा के बाद जो है उनको हम मैसेज को डिलीट कर देते हैं या उनको हम सेव करके नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम चिट्ठियों को बहुत ही संभाल कर रख सकते थे। तो यही बात यहाँ पर लेखक कह रहा है, भले ही संचार साधन कितने भी बढ़ गए हों, लेकिन चिट्ठियों में जो एक मज़ा आता था, जो एक गहराई थी, जो एक रिश्तों के प्रति प्रेम था, वो जो है आजकल के मैसेज या फोन में नहीं है। पत्र एक नया सिलसिला, नई एक शुरुआत करते हैं पत्र, राजनीति साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया है। ठीक है, मैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताती जाऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और पाठ भी आप समझ जाओगे। आप पत्रों से समझ सकते हैं, कभी अगर किसी का झगड़ा हो गया या कुछ हो गया तो पहले के व्यक्ति क्या करते थे कि जो है पत्र लिखते थे और उस पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करते थे। जब वो लिखते थे तो सामने वाले के लिए ऑटोमेटिक ही एक प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती थी। आप लोगों ने डायरी विदा, यदि आप लोग लिखते हो, जैसे डायरी यदि आप लिखते हो, आपका किसी चीज़ के लिए परेशान हो और अगर आप लिखते हो उस चीज़ को, तो उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन उसमें खुद पे खुद मिलेगा। तो इसलिए पत्र भी ऐसे ही होते थे। ठीक है, पत्र को यहाँ पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है, खत कहा जाता है। संस्कृत में जो हम आज हिंदी में जो शब्द पढ़ते हैं पत्र, वो कहाँ से लिया गया है, संस्कृत शब्द से लिया गया है। ये एक कैसा शब्द है
तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से लिए हुए होते हैं। मैं कुछ कुछ व्याकरण आपको बताती चलूंगी ताकि आप लोगों की हिंदी के प्रति और थोड़ी रुचि पैदा हो। कन्नड़ में इसको क्या कहा जाता है? पत्र को कागज कहा जाता है। तेलुगु में यहाँ पे उत्तरम कहा जाता है और जाबू और लेख, और तमिल में कड़ित कहा जाता है। ठीक है, तो आगे लेखक क्या कहते हैं, ये आप लोगों को सभी को याद रखना, एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि हम पत्र को यादों को क्यों संजो कर रखते हैं पत्र, क्योंकि हम एक पत्र को कितनी बार भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हर एक की अपनी एक कला होती है। देखो पत्रों में क्या होता है बच्चों, कोई लेटर बहुत बड़ा लिखता है, आपने देखा होगा, और कोई लेटर छोटा सा होता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने पत्र में खुलकर अपनी बात को रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पत्रों में सीमित बातें लिखते हैं, बस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ही बातें लिखते हैं। तो ये एक लोगों पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की शैली पत्रों में अपनाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत है। तो आप वर्तमान में भी देख सकते होंगे कि डाक द्वारा जो है कि डाक की व्यवस्था हमारे भारत में अभी भी है। जैसे मेरा ज्वाइनिंग लेटर जो है अभी भी डाक व्यवस्था के माध्यम से 2019 का डाक की व्यवस्था के माध्यम से ही आया था। जैसे आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाओगे और आपका ज्वाइनिंग लेटर जो होता है वो डाक व्यवस्था के डाक के माध्यम से ही डाक यहाँ पे घर देने के लिए आता है, या फिर मैं बात करूँ चैनल का जो पिन कोड है वो भी डाक के माध्यम से ही हमारे तक पहुँच पाता है। तो डाक की जो व्यवस्था है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में ये सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स, मैंने हरकारे यहाँ पे बताया था आप लोगों को एक शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, डाकिया, यानी डाक ही पहुँचाने का कार्य करते थे। पहले केवल कौन पहुँचाता था पत्र हमारे तक, केवल डाकिया ही पहुँचाता था, लेकिन वर्तमान में उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर तेज घोड़ों का विकास हुआ, उसके बाद पहिए का विकास हुआ, कि जैसे जैसे संचार साधन बढ़े तो फिर जो है डाकिए की अहमियत थोड़ी कम होती गई, और उसके बाद जो है इन इन साधनों का विकास होता गया। अब जो है वर्तमान में रेलवे और तार ने भारी बदलाव किया है। अब जो है डाक व्यवस्था जो है तार के माध्यम से और रेलवे के माध्यम से भी भेजी जाती है। ठीक है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया है। ठीक है, कला का अर्थ यहाँ पे पिछली शताब्दी मतलब पिछले 100 वर्षों में जो है यहाँ पे डाक ने क्या कर दिया है, एक कला, कला क्या समझते हो, कला का अर्थ यहाँ पे क्या है कि ये अपने आप में कला बन चुकी है, एक आपका बोलते हैं आपका टैलेंट, वर्तमान में हम इसको इंग्लिश शब्द है कला की, टैलेंट ये बन चुका है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ ही पत्रों को सही दिशा देने के लिए भी विशेष प्रयास किया गया। बच्चों यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है कि डाक व्यवस्था में जैसे जैसे सुधार आया वैसे वैसे ही पत्रों को भी, पत्रों को सही दिशा देने का भी प्रयास किया गया, कि पत्रों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या किया गया। जैसे आप लोग भी देखते होंगे हिंदी में, आप जब भी आपको कोई लीव लेनी होती है तो स्कूल से, सॉरी हिंदी में बोल रही हूँ मैं, अगर आपसे आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है कि 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, तो ये क्या है, या फिर आप गर्मी की छुट्टियों में अपना जो है समय अपने दोस्त या मित्र के पास बिताना चाहते हैं तो आप उसे आमंत्रित करने के लिए या उसके वहाँ जाने के लिए एक पत्र लिखिए, तो ये क्या है, हमारे पाठ्यक्रम का एक, वर्तमान में CBSE ने क्या कर दिया है, इसको हमारे सिलेबस में लगा दिया है। तो एक पहला प्रयास तो सरकार के द्वारा ये किया गया है कि हमारे पाठ्यक्रमों में पत्रों को जोड़ दिया गया है। दूसरा क्या किया गया बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पत्र प्रतियोगिता होती है जिसमें जो है सरकार के द्वारा अलग अलग प्राइज भी दिए जाते हैं, ये KVS और नवोदय दोनों संस्थाओं में ही होता है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी ये प्रतियोगिताएँ आयोजित करवाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रयास और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। तो केवल भारत नहीं बल्कि विश्व डाक संघ मतलब जो वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर जो डाक व्यवस्था है उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, और उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की हैं, और ये सिलसिला कब से चल रहा है, सन 1972 से विश्व डाक संघ ने जो है ये सिलसिला चला रखा है। ये आप लोगों को याद रखना ये कि विश्व डाक संघ ने जो है पत्र प्रतियोगिताएं कब आयोजित की थी, 1972 ईस्वी में, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किंतु अब हमें ये देखना है
ठीक है, इतने सारे विकास हुए पत्र लेखन में, उसके बावजूद भी अभी भी वर्तमान में लोग पत्र ज़्यादा नहीं लिखते। जैसे आप लोगों के समय में अगर हम देखा जाए, आप लोग पत्र बहुत कम लिखते होंगे, केवल स्कूली स्तर पर आप पत्र लिखते होंगे, लेकिन आपने कभी अपने मित्र को कभी पत्र नहीं लिखा होगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण हम जान लेते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहर और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मतलब क्या है कि बड़े बड़े शहरों और महानगरों में, जैसे महाराष्ट्र में पुणे एक बड़ा सिटी है, दिल्ली एक महानगर है, बड़े बड़े महानगरों में क्या हुआ है कि यहाँ पर फ़ोन की SMS की सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, मेल की सुविधाएं बहुत ज़्यादा है, फैक्स व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। तो इसने क्या किया है, डाक या पत्र लेखन व्यवस्था को बहुत ही प्रभावित किया। प्रभावित का मतलब उसको धीमा कर दिया है, क्योंकि लोग जो हैं SMS से बात कर लेते हैं, ईमेल से बात कर लेते हैं, फैक्स से बात कर लेते हैं, तो चिट्ठियों से बात अब नहीं करते हैं। तो ये हमें देखना, तो इसका कारण क्या है, संचार साधन, नए नए संचार साधनों के विकास के कारण क्या हुआ है, हमारा जो है डाक व्यवस्था की संख्या जो है घटी है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन आप लोगों को पढ़नी है, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार अभी भी बढ़ रही है। व्यापारिक मतलब जो हम व्यापार करते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनीज के काम होते हैं उनमें अभी भी डाक व्यवस्था लगातार जारी है। जैसे केंद्रीय विद्यालय में भी डाक व्यवस्था बहुत ज़्यादा जारी है अभी भी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसके तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र लिखा ना हो। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि आप अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि आप लोगों ने क्या कभी किसी को पत्र लिखा है, क्या कभी लेटर लिखा है, तो आप उनसे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में जान पाएंगे कि पहले पत्र कितने महत्वपूर्ण होते थे। और मैं आप लोगों को एक गाना भी बताऊँगी, जैसे आपने एक गाना सुना होगा कि कबूतर जा 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 चिट्ठी ले आ, तो ये गाने ऐसे ही नहीं बने हैं, क्योंकि पहले के समय में जो है चिट्ठियों का महत्वपूर्ण रोल था। तो इसलिए ये हम देख सकते हैं, हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। आप लोगों ने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें फौजी जब बॉर्डर पर होते हैं, उनके घर से जब पत्र आता तो वो बहुत महीनों तक इंतज़ार करते हैं कि हमारे घर से कोई पत्र आया कि नहीं आया, माँ की चिट्ठी आई कि नहीं आई। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कि पहले के समय में पत्रों की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब बात वह नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का साधन केवल चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है? पहले के व्यक्ति केवल और केवल चिट्ठी पर ही डिपेंड थे, लेकिन आज बहुत सारे माध्यमों का विकास हो चुका है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, बहुत गाने अभी भी चिट्ठियों पर बनते हैं। आप वर्तमान में यदि सुनते हैं तो चिट्ठियों को लोग संभाल कर रखते हैं, उनको विरासत की तरह रखते हैं, और कभी जब किसी का मन दुखने लगता है तो वो अपने कुछ पुरानी यादों को या पुरानी चिट्ठियों को पढ़कर अपने मन को फिर से खुश करते हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने एक लम्हे को फिर दोबारा से जिया है, ठीक है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप सहेज कर जल्दी ही भूल जाते। तो यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। क्या प्रश्न बनेगा बच्चों? यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि किस प्रकार से जो है चिट्ठियाँ जो है वर्तमान परिवहन के साधनों से या वर्तमान SMS संदेशों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्यों है? क्योंकि पत्रों को आप सहेज कर रख लेते हैं, परंतु SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा जब मैसेज आते हैं आप लोग भूल जाते हैं कि किसने क्या मैसेज किया था, तो उतनी ज़्यादा एक भावुकता या भावना या उसमें एक रिलेशन की बात या प्रेम की बात जो है उतनी झलकती नहीं है। लेकिन चिट्ठियां, व्यक्ति एक महीने में, दो महीने में किसी को चिट्ठी लिखता था तो उन चिट्ठियों को सहेज कर रखता था और व्यक्ति दोबारा से उनको पढ़ सकता था। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? क्योंकि फ़ोन की एक या मैसेज भेजने की एक लिमिट होती है और व्यक्ति उस तरीके से जो है उसको उनको संभाल कर नहीं रख सकता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। यहाँ पे लेखक ने क्या बताना चाहा है कि जितने भी महान व्यक्तियों में जैसे हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कह सकते हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को कह सकते हैं, और भी बहुत सारे लोगों को हम नाम ले सकते हैं जिन्होंने जो है
जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है पत्रों पत्र लिखे हैं और उनको संभाल कर रखा है। तो ये दिखाता है कि पत्र हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संकलन का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसे महात्मा गांधी जी ने जो पत्र लिखे वो आज भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं संग्रहालय में यानी म्यूजियम में बहुत सारे पत्र वो जो है संभाल कर अभी भी रखे गए हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, जब भारत में अंग्रेज लोग आ गए थे तो वो भी अपने परिवार वालों को, जब अपनी फैमिली वालों को कुछ लिखते थे तो वो भी पत्र की भाषा या पत्र लिखकर ही अपने परिवार वालों को बताते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे चलकर पत्रों की इतनी भूमिका बढ़ गई कि वो एक पुस्तक के रूप में सामने आने लगी। ठीक है, तो इस बात से हम ध्यान यहाँ पे रखेंगे। संग्रहालय एक शब्द आया यहाँ पे, संग्रहालय की संधि विच्छेद होता है संग्रह प्लस आलय, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक शब्द आया था, हमने पढ़ा था व्यापारिक डाक, व्यापारिक डाक का अभी भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा इसमें प्रत्यय है। व्यापारिक एक शब्द बोलकर देखना है आपको, अंत में कौन सा शब्द आ रहा है, एक आ रहा है, तो एक इसमें प्रत्यय हो गया। तो इन सब बातों को भी थोड़ा सा देखते रहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रही हूँ अभी आप लोगों को। जैसे देश दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। किन के बारे में बात हो रही है, महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। जब भी कोई व्यक्ति उनसे पत्र के बारे में या उनसे कोई प्रश्न पूछते थे उस समय के व्यक्ति, तो उनको कोई पत्र लिखते थे और पत्र का जवाब, वो हर पत्र का जवाब महात्मा गांधी जी द्वारा दिया जाता था। उनका जब एक हाथ दर्द करता था, दाहिना हाथ लिखते लिखते दर्द करने लग जाता था, तो फिर वो बाएं हाथ से लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। यानी उस समय के, जैसे महात्मा गांधी जी ने यदि किसी को पत्र लिख दिया तो गांव वालों के लिए वो बहुत ही बड़ी बात होती थी, और वो किसी सम्मानजनक प्रशंसा पत्र, मैंने एक शब्द आपको बताया था, उनको ऐसे लगता था कि जैसे उनको कोई अवार्ड मिल गया है, उससे कम नहीं समझते थे। यहाँ आपको प्रशस्ति पत्र मैंने एक शब्द यूज किया है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पत्र शब्द से दो ऐसे शब्द बनाइए जिसमें पत्र शब्द का प्रयोग हो। जैसे आप एक शब्द बना सकते हैं प्रशस्ति पत्र, दूसरा शब्द बना सकते हैं प्रशंसा पत्र। इस तरीके के शब्दों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। या आपके भाषा का खंड जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो आप लोगों को उसको हल करना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई अपने। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के 200 पत्र पंत के, सॉरी यहाँ पे पंत, सुमित्रानंदन पंत यहाँ पे एक हिंदी के बड़े ही कवि हैं, उन्होंने 200 पत्र जो है किन के नाम पर लिखे हैं, हरिवंश राय बच्चन के नाम पे लिखे हैं। निराला के पत्र का क्या नाम है, हमको लिखो है कहा। ठीक है, ये या आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में वे बहुत ही मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तत्पर, तत्पर मतलब कि तैयार रहना। कोई भी अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता था, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े ही महान साहित्यकार थे। ठीक है, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने समाज की जो सच्चाइयाँ थी उनको अपने किताबों में उतारा। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक रहे हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को ये समझना है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में लगातार पत्रों के माध्यम से बातचीत होती थी। कब से, जब से 1915 से लेकर 1941 तक। उसका बाद में क्या हुआ है कि पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, मतलब बाद में इतने पत्र हो गए कि उनकी एक संग्रह मतलब कि एक पुस्तक उनको निकालनी पड़ी, जो आज भी वर्तमान में भी देखी जा सकती है कि उन्होंने पत्रों में कौन कौन सी बात की। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास कब हुआ है, आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा विकास जो है किसने किया है, डाक विभाग ने इसके लिए प्रयास किया है। फिर उसके बाद इसको पाठ्यक्रमों में जोड़ा गया है।
ठीक है। तो प्रतियोगिताएं विश्व डाक संघ ने भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व डाक संघ ने जो है इसके लिए 1972 से प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना शुरू किए। और इस पैराग्राफ में बताया है कि पत्रों की जो अहमियत है, वो चाहे कोई जंगल में रह रहा हो, चाहे कोई शहरी आलिशान हवेलियों में हो, या झोपड़ या कहीं झोपड़ पट्टियों में रह रहा हो, या कोई ढाणियों में रह रहा हो, दूर दूर तक जो है पत्रों का विकास हुआ है, लोगों ने बहुत ही पत्र लिखे हैं दूर देहात में। लेकिन अभी हम बात यहाँ पे लेखक अभी क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, कि वर्तमान में हम ये नहीं कह सकते कि अगर नए नए साधन आ गए हैं तो पत्रों की पूरी महत्वता खत्म हो गई है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मनी ऑर्डर अभी भी जो है हमें डाक के माध्यम से हमारे पास आते हैं। जैसे जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, या जिनके पास इतनी जो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो ईमेल और फैक्स के अंतर को समझ पाए, उनके लिए आज भी पत्र उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जितनी पहले के समय में निभाते। तो इस पैराग्राफ में लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं, मतलब उनको जो पैसे हैं, जैसे कोई किसी का बच्चा है वो बाहर पढ़ रहा है, नौकरी लग गया, लेकिन उनके माता पिता बहुत अनपढ़ हैं, तो वो बच्चा कैसे, अब उनको तो उनके माता पिता को ना अकाउंट चलाना आता है, ना ही उनको क्या आता है, उनको पैसे निकालना आता है। और आज के समय में इतना भ्रष्टाचार का समय है, तो वो बार बार ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे पैसे निकलवाओ किसी से, या फिर कई गांव तो ऐसे इतने पिछड़े हुए हैं कि वहाँ पर कोई भी ATM व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे में वहाँ पर कौन पहुंचते हैं, ऐसे में वहाँ पे मनी ऑर्डर, जो कि विश्व डाक अपनी जो डाक व्यवस्था है, डाक व्यवस्था के माध्यम से पैसे उनको भेजे जाते हैं, लोग भी आज भी जो है लोग डाक पर या पत्रों पर बहुत ही निर्भर हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, और जैसे ही डाकिया वो पैसे की चिट्ठी लेकर पहुंचता है तो देवदूत यहाँ पर जो उसको भगवान के दूत से कम नहीं मानते गांव के लोग, क्योंकि एक तरीके से वो उनकी बहुत बड़ी मदद कर रहा है। अगर उनको उनके पास कोई चिट्ठी लेकर जाता है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उनको कोई फोन नहीं, उनको पता नहीं है कि उनके बच्चे कैसे हैं, तो ऐसे में बच्चे अगर बॉर्डर पे हैं उनके माता पिता, तो उनको चिट्ठी के माध्यम से जो कि गांव का कोई भी व्यक्ति पढ़कर उनको सुना सकता है, इसलिए वो डाके को किस रूप में देखते हैं, देवदूत के रूप में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। मैं आशा करती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को मेरा पाठ वो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, पाठ ही बहुत ही रोचक था, और इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें, इसी तरीके से हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।